हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने ऑनर्स पेपर के बारे में बताया था कि आपका एग्ज़ाम कौन सा किस दिन है, तो मैंने सब्सिडरी के बारे में छोड़ दिया था। सब्सिडरी और जो भी हिंदी इंग्लिश आपका जो भी 50 या 100 नंबर का था मैंने छोड़ दिया था, ताकि इसमें आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए था। लेकिन काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा कि कब एग्ज़ाम है, इस तरह की क्वेश्चन मेरे से। अब बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके भी पूछा कि मेरा एग्ज़ाम कब है, अपने सब्जेक्ट के बारे में बता रहे थे। तो मैं बारी बारी से फिर से मैं बता दे रहा हूँ एक एक करके, तो हमारे साथ बने रहें। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, अगर ऑनर्स पेपर के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जो हमारे कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर में वो वीडियो का लिंक दिया हुआ, आप उस पर जा कर के क्लिक कर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने वीडियो का लिंक दे दिया, तो उस वीडियो को वहां से भी देख सकते हैं। शुरू करने से पहले, जो फ्रेंड्स नए हैं इस चैनल पर, लेटेस्ट अपडेट आसानी से पाने के लिए सब्सक्राइब करें, नीचे दिए इस लाल निशान पर क्लिक कर और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपने कहा था दोस्तों कि 50 नंबर का इंग्लिश और 50 नंबर का हिंदी है, तो साइंस वाले स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए कोई ग्रुप वाइज नहीं दिया हुआ है। लेकिन जो भी अगर साइंस या कॉमर्स और वोकेशनल कोर्स में आप, मैं एक ही करके बता दे रहा हूँ, उनका फर्स्ट सीटिंग में आरबी नॉन हिंदी जो लिखा हुआ है, इसमें नॉन हिंदी वो 50 नंबर का जो हिंदी होता है वो है, और उसके साथ एमबी, जो दोनों एक ही साथ एक ही सीटिंग में होता है, जो आपने फर्स्ट पार्ट में भी दिया होगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मार्कशीट निकाल करके उससे मिला लेंगे कि आरबी एन एच एन और एमबी मैथिली इंग्लिश उर्दू या बंगाली नेपाली जो भी आपने लिया वो आपसे मैच करता है या नहीं करता है, तो यहाँ से आप मिला लेंगे या समझ में आ गया तो कोई बात नहीं है। तो साइंस वाले स्टूडेंट का जो 16/5/2019 को फर्स्ट सीटिंग में आरबी नॉन हिंदी और एमबी में आपने जो भी चीज़ लिया है, इंग्लिश लिया है 50 नंबर, उर्दू या बंगाली, तो वो 50 और 50 50 50 मार्क का दोनों एक ही सीटिंग में, वो 3 घंटे के एग्ज़ाम में 1.5 घंटे में ले लिया जाएगा। और बात करेंगे सेकेंड सीटिंग का 16/5/2019 को, तो आरबी हिंदी साइंस कॉमर्स वोकेशनल का जो 100 मार्क अगर दिए होंगे हिंदी, तो उनका इसमें है साइंस कॉमर्स और वोकेशनल कोर्स में, और म्यूजिक सब्सिडी और जनरल, ड्रामेटिक सब्सिडी और जनरल, उसका भी एग्ज़ाम सेकेंड सीटिंग में ही 16/5/2019 को होगा। तो आगे हम बात करते हैं 17 तारीख को, 17/5/2019 को आर्ट्स वाले स्टूडेंट, ध्यान देंगे ये काफ़ी कंफ्यूजन वाला सब्जेक्ट है। आर्ट्स वाले आर्ट्स में जो ए ग्रुप और सी ग्रुप में आते हैं, यहाँ आप ग्रुप पहले मैच कर लेंगे कि आप किस ग्रुप से हैं। आर्ट्स में अगर हिस्ट्री में है तो बी ग्रुप में, तो ए से लेकर के सी ग्रुप में जो भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट आते हैं वो यहाँ देखेंगे। ए से लेके सी में ग्रुप में अगर आर्ट्स में आते हैं तो आपका एग्ज़ाम इसमें होगा, आरबी नॉन हिंदी और एमबी मैथिली इंग्लिश उर्दू या ऑल ग्रुप्स ऑफ बंगाली एंड नेपाली जो भी सब्जेक्ट आपका है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप अपने पिछले साल के मार्कशीट निकालेंगे, उसमें आपको दिया होगा जो एग्ज़ाम आपने दिया होगा, या आपको याद आ गया होगा कि 50 मार्क का हिंदी और 50 मार्क का इंग्लिश उर्दू मैथिली या कोई और सब्जेक्ट नेपाली, ऑल ग्रुप्स ऑफ बंगाली, इस तरह का सब्जेक्ट आपने लिया होगा तो आपका एग्ज़ाम इस दिन होगा। आर्ट्स में ए से सी ग्रुप वाले का इसमें होगा, तो ग्रुप को ध्यान में देना है, इसी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि सेम चीज़ यहीं पे लिखा हुआ है आरबी नॉन हिंदी आर्ट्स, तो आर्ट्स ग्रुप से डी और एफ ग्रुप वाले स्टूडेंट, आर्ट्स सब्जेक्ट से डी और एफ, डी से एफ में अगर इसमें अगर इतने में अगर आपका सब्जेक्ट है आर्ट्स सब्जेक्ट में, तो आपका एग्ज़ाम सेकेंड सीटिंग में 17 तारीख को होगा। 50 50 मार्क का
इसी सीटिंग में नॉन हिंदी और एमबी मैथिली इंग्लिश उर्दू या ऑल पास कोर्स जो भी आपने लिया है 50-50 मार्क वाला, ये वाला है एग्ज़ाम। और आगे 20 तारीख को अगला एग्ज़ाम है, 20/5/2019 को आरबी हिंदी आर्ट्स ऑनर्स ग्रुप ए टू सी। अगर आपने 100 नंबर का हिंदी लिया है, केवल 100 नंबर का हिंदी अगर वो कंपलसरी सब्जेक्ट में, हाँ दोस्तों ध्यान देंगे ये सब्सिडी वाले का हिंदी नहीं है, ये सब्सिडी वाले का हिंदी नहीं है, आरबी हिंदी आर्ट्स ऑनर्स ग्रुप ए टू सी। तो ये चीज़ काफ़ी आप ध्यान देंगे कि सब्सिडी वाले जो हैं उसका आगे बताऊंगा, ये आप मार्कशीट में ज़रूर मैच कर लेंगे अगर आपको कन्फ्यूज़न है। अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो आप ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पूछ सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब है, ये चीज़ आप मिला करके एग्ज़ाम देने जाएंगे, या नहीं तो अभी मैं बता रहा हूँ इतनी बारीकी से, अगर समझ में आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आरबी हिंदी आर्ट्स वाले ऑनर्स ग्रुप ए टू सी में अगर आप आते हैं तो 20/5/2019 को 100 मार्क का आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप आरबी हिंदी आर्ट्स ऑनर्स ऑल पास कोर्स ग्रुप डी टू एफ वाले आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट हैं, ये वाला दिन में उनका हिंदी का एग्ज़ाम होगा। अब ये तो आसानी से समझ में आ रहा होगा, सोशियोलॉजी सब्सिडी और जनरल वाले के लिए है, और यहाँ आगे मॉनिटरी थ्योरीज फाइनेंशियल इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन सब्सिडी जनरल वोकेशनल कोर एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट सब्सिडी और जनरल वाले का है, ज्योग्राफी सब्सिडी और जनरल वाले सब्जेक्ट जो भी हैं, केमिस्ट्री सब्सिडी जनरल वोकेशनल, इसमें समझने कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, साइकोलॉजी सब्सिडी जनरल ए आई एच एन सी सब्सिडी एंड जनरल 24/5/2019 का ये सब्जेक्ट है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता होगा किसी को। 30/5/2019 हिस्ट्री सब्सिडी एंड जनरल, मैथमेटिक्स सब्सिडी जनरल वोकेशनल, साइंस और आर्ट्स वाले का। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ऑल लैंग्वेज लिटरेचर हिंदी मैथिली इंग्लिश उर्दू संस्कृत पर्शियन सब्सिडी जनरल, जो लोग हिंदी मैथिली इंग्लिश उर्दू संस्कृत पर्शियन सब्सिडी और जनरल जिनका है वो 1/6/2019 को होगा। इकोनॉमिक सब्सिडी एंड जनरल बी आर एफ डब्ल्यू एंड ए सी जनरल, आप देख सकते हैं 1/6/2019 को उसका एग्ज़ाम होगा। 3/6/2019 को एल एस डब्ल्यू सब्सिडी जनरल बॉटनी सब्सिडी जनरल वोकेशनल, तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आई एन डी इकोनॉमी इंटरप्रेन्योरशिप और आगे 4/6/2019 को आर इकोनॉमी सब्सिडी जनरल जूलॉजी सब्सिडी जनरल फिलोसफी सब्सिडी जनरल फिजिक्स सब्सिडी जनरल पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी जनरल होम साइंस सब्सिडी जनरल। तो इस तरह से दोस्तों सारे एग्ज़ाम के बारे में मैं डिस्कस कर दिया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप एग्ज़ाम सेंटर पे ऑनर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने चाहेंगे तो वहाँ जा कर के ज़रूर सर से कंफर्म हो लेंगे ताकि एग्ज़ाम में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, कि एग्ज़ाम छूट ना जाए किसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहेंगे, अगर थोड़ा सा समझदारी आप पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं इस तरह का, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए।